कैसे हो आप सब। और ये है आपकी क्लास फोर्थ, और इससे पहले वाली वीडियो का भी एक पार्ट आप कह सकते हैं, जैसे कि सेकंड पार्ट है तो वो भी आप कह सकते हैं। और उससे पहले वाली वीडियो जो थी थर्ड क्लास में, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कि मतलब प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में सिर्फ प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ही क्लियर करे थे, ए टू जेड सब कुछ आपको बता दिया था एकदम अच्छे से डीपली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और पोस्ट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, दोनों की बात करेंगे क्योंकि दोनों में थोड़ा थोड़ा सिमिलर होते हैं प्रोडक्ट्स, पोस्ट स्टाइलिंग में भी और ड्यूरिंग में भी, तो इसलिए दोनों की आज हम बात कर लेंगे, और ताकि आपको सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी। अगर आप प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट की वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप ड्यूरिंग स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे, पहले प्री स्टाइलिंग के करोगे, तो इसलिए आप पहले प्री स्टाइलिंग की वीडियो देख लीजिए, फिर आप ड्यूरिंग स्टाइलिंग की और पोस्ट स्टाइलिंग की प्लीज वीडियो देख लेना प्लीज प्लीज। तो ड्यूरिंग स्टाइलिंग में आपको चाहिए होते हैं सिर्फ स्प्रे, मेनली स्प्रे चाहिए होते हैं। आपने खुद भी देखा ही होगा, आपको पता भी होगा कि आप स्टाइलिंग कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ स्प्रे ही चाहिए ना, क्योंकि फ्रिजीनेस के लिए वो सब तो आपने पहले लगा चुके, वो सब तो आपको प्री स्टाइलिंग में आ गया, तो आपको क्या चाहिए, स्प्रे ही चाहिए ना। लेकिन स्प्रे भी आप देखोगे तो कितने सारे स्प्रे है, कौन कौन सा ले, मतलब उनमें आपने देखा होगा कि उसमें लेवल भी होते हैं, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, कि ये इतने लेवल का स्प्रे है, ये इतने लेवल का स्प्रे है, ये इतने लेवल का, तो इतने सारे लेवल होते हैं, इतने सारे स्प्रे है, इतनी सारी मतलब कंपनी के, इतने सारे ब्रांड के मतलब है, तो कौन सा ले कौन सा ना ले वो सब क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको 1 से लेके मतलब जो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे लेवल के एक प्रोडक्ट, एक एक स्प्रे ना लेना पड़े, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आप ऐसा तो नहीं आप 8-10 स्प्रे अपने पास रखोगे कि 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, ये तो मैंने ही नहीं रखे आज तक, तो कोई बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपको क्या क्या चाहिए, और उससे आपका काम भी अच्छा सा होगा, ये नहीं कि बस ऐसे ही बता रहे हो, कि काम भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी सिर्फ वही यूज करती हूँ तो, और आप भी सिर्फ वही यूज कर रहे हैं। तो अच्छा हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल होते हैं, मैं यहाँ पे लेवल लिखती हूँ स्प्रे के, लेवल मतलब होल्डिंग पावर, लेवल से मतलब होता है कि मान लो कोई स्प्रे आपका 4 नंबर का है, 4 लेवल का स्प्रे है, तो उसकी होल्डिंग पावर कितनी है। जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके होल्डिंग पावर बढ़ती जाएगी उसमें। मान लीजिए आपने 1 का लिया तो उसमें बिल्कुल नामात्र के टाइप कुछ होल्डिंग पावर होगी, आपने 4 या 5 का लिया तो उसमें थोड़ी ज्यादा मीडियम होल्डिंग पावर होगी, 7-8 का लिया तो फिर मतलब ये कि बिल्कुल ही जैसे आपने बस बालों को ऐसे खड़े करने हैं तो वो वहां के वहीं खड़े रह गए। तो ये वाला सिस्टम है इसका कि आप जैसे जैसे अपनी ये लेवल बढ़ाते जाओगे स्टाइलिंग में, उतना उसकी पावर बढ़ती जाएगी, होल्डिंग की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जैसे 1 है, 2 है, 3 ये सब है, या आपके नॉर्मल में आ गए लाइट होल्ड में, लाइट होल्डिंग पावर, या आपके 3, 4, 5, 6 ये थोड़े आपके मान लो मीडियम में आ गए, 7-8 आपके हाई में आ गए। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आप इन सबकी एक एक रख लो, एक एक स्प्रे आप इन तीनों उसका रख लो, एक लाइट का रख लो, एक मीडियम उसका रख लो होल्ड पावर का, और एक हाई होल्ड पावर का रख लो, सही है ना। अब आप सारे जगह रखोगे, काम थोड़ा 3 का भी वही है, 4-5 का वो भी है, आपको लाइट में चाहिए तो लाइट में आप 1 या 2 में से कोई भी लगा लो, 7-8 में से लगा लो, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि एक मीडियम का रख लो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं कोई क्लाइंट आ रहा है वो कहेगा नहीं मुझे 3 नंबर का ये स्प्रे लगवाना है, या ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं वो कहेगा कि नहीं मुझे 5 का लगवाना है या 6 का लगवाना है, वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उस टाइम थोड़ी हल्की पावर की मतलब हल्की होल्डिंग चाहिए या ज्यादा होल्डिंग चाहिए, या फिर थोड़ी मीडियम में या बस मतलब कर रहे हैं, तो आपको ऊपर डिपेंड है। तो तीनों में से आप एक एक तीनों उसका एक लाइट एक होल्ड सॉरी एक लाइट का एक मीडियम का और एक हैवी का, तीनों का एक एक रखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइट होल्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं मीडियम होल्ड, और यहाँ पे हैवी, ठीक है ना।
सबसे पहले हम लाइट में देख लेते हैं। लाइट होल्डिंग पावर होती है जैसे कि 1 और 2 नंबर। 1 और 2 नंबर में आपने देखा होगा कि एक आप ले सकते हैं, जो 1 और 2 नंबर के आते हैं ना, इनमें आपको लेना है शाइन स्प्रे, जिसमें शाइनिंग स्प्रे, 1 और 2 में शाइन स्प्रे ही आते हैं। और शाइन स्प्रे हमें चाहिए होता है क्योंकि आप बालों में, आप ब्लैक कलर के हेयर है तो जैसे आपने देखी होगी स्टाइलिंग जो है ना, वो ज्यादा काफी अच्छी लगती है जब आप थोड़े कलर वाले बालों में स्टाइलिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ब्लैक में थोड़ा सा वो दिखते कम है, ब्लैक कलर के बालों में स्टाइलिंग आपकी थोड़ी सी कम विजिबल होती है। तो आपको एक शाइनिंग स्प्रे लगाओगे, उससे बालों को फ्रिजीनेस भी थोड़ी सी और कंट्रोल होगी और उसमें जो शाइनिंग है वो भी आएगी। तो आपको 1 और 2 आप जब ले रहे हो तो उसमें वो शाइन स्प्रे आएगा, आपका थोड़ी थोड़ी शाइन होगी और 1 और 2 नंबर जितनी आपकी उसमें होल्डिंग पावर होगी। मेनली उसका काम होता है शाइनिंग का, उसकी होल्डिंग पावर होती है थोड़ी कम 1 और 2 नंबर की, बता दिया मैंने आपको। अब हम इसमें देख लेते हैं कि आते कौन कौन से हैं। आप एक ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिख दो मैं यहाँ पे, एक आप ले सकते हैं गोदरेज का, शाइन ऑन के नाम से आता है ये। फोटो आप देख रहे हैं कि गोदरेज का शाइन ऑन के नाम से आता है, आप ये ले सकते हैं। थोड़ी नॉर्मल रेंज में आपका आ जाएगा ये वाला, रिजल्ट काफी अच्छा है इसका। और एक आपका आता है ओसिस का, ओसिस के प्रोडक्ट्स आपने बहुत सुने होंगे, ओसिस प्लस 1 करके 1 नंबर उस पर लिखा रहता है, ओसिस पे ओसिस 1 के नाम से उस पर लिखा भी रहता है 1 नंबर। तो ओसिस का भी ये साइन, ओसिस में आपका वैसा स्प्रे भी जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं ये वाला इसका आपका स्प्रे होता है, इस पर लिखा भी रहता है शाइन का स्प्रे, क्योंकि ओसिस में आपके पावर के भी होल्डिंग के भी आते हैं स्प्रे और भी ओसिस के काफी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, उस पर लिखा रहता है अच्छे से चेक करके फिर आप उस पर देखे कि शाइन लिखा हुआ है शाइनिंग के लिए और 1 नंबर उस पर लिखा रहता है बड़ा बड़ा, तो वो आपको लेना है। अब ये ड्यूरिंग स्टाइलिंग ये यूज होंगे क्योंकि आप मान लीजिए आप पफ वगैरह बना रहे हैं या फिर आप कहीं पे कुछ भी क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, कोई भी पैटर्न बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बालों पे स्प्रे करो ताकि उसमें एक अच्छी फिनिशिंग आए, थोड़ी शाइन आए। और आपका जो एक आप मान सकते हो ना 1 और 2 नंबर है तो हल्का सा बालों को ग्रिप मिलती है हमें शाइनिंग करने में, पैटर्न जब हम बना रहे तो थोड़ा सा बालों को पैटर्न में लेने में, उसमें आपको कंट्रोल करने में थोड़ी सी आपको उसमें हेल्प मिलती है। अच्छा जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि पैटर्न बनाने में हेल्प मिलती है ये सब, ये थोड़ा सा ऐसा वाले है कि भाई सबको मतलब है कि भाई नॉर्मल है, स्टाइलिंग है, बनाना है, इसमें ग्रिप व्रिप का क्या है भाई, बाल तो कोई भी कंट्रोल कर लेता है, पकड़ नहीं तो मतलब कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा। लेकिन ये चीजें ऐसी है, ये वर्ड ऐसे है कि आप जैसे जैसे मतलब स्टाइलिंग करते जाओगे ना, एक्सपीरियंस करते जाओगे तो आपको इन सबका मतलब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सच में ही काम करता है। क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे पहले मतलब प्रोडक्ट्स का लगता था कि इतना कुछ काम होता नहीं है, बस ये भाई है कि हाँ ये भी लगाना है ये भी लगाना है, लेकिन प्रोडक्ट से धीरे धीरे मुझे पता चला कि प्रोडक्ट से सही में काफी फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट्स यूज करने से काफी रिजल्ट पे फर्क पड़ता है आपकी स्टाइलिंग के। और प्रोडक्ट अगर आप मान लीजिए आप ये 1-2 नंबर का होल्डिंग का है, इसमें बहुत कम मुश्किल ही होती है, तो उससे थोड़ी सी आपको बालों को ग्रिप मिलती है सही में या नहीं मिलती है, तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ सही में ही छोटी छोटी चीजों से ना बहुत फर्क पड़ता है आपकी स्टाइलिंग में। और तो ये मैंने आपको बता दिए 2 लाइट होल्ड में गोदरेज के, ओसिस के। अब हम बात कर लेते हैं मीडियम में।